हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ आधार कार्ड पे एड्रेस कैसे चेंज करना है। तो यह है हमारा भारत गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in। ये वेबसाइट पे जाने के बाद आपको या आपको नीचे यहाँ काफ़ी सारे सर्विसेज मिलेंगे जिनके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो ऑनलाइन। तो जैसे डाउनलोड आधार कार्ड है, एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट है। तो कल ही थोड़े दिन पहले ही मैंने आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ऑनलाइन उसका वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला है। आपको उसका ज़रूरत पड़ता है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे हाउ टू चेंज एड्रेस ऑन योर आधार कार्ड। तो एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप ये नेक्स्ट पेज पे आओगे। यहाँ टू सबमिट योर एड्रेस अपडेट करेक्शन रिक्वेस्ट प्लीज प्रोसीड पे क्लिक करना है। और यहाँ आपका आधार नंबर, ये कैप्चा आपको यहाँ फिल करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको नीचे बॉक्स आएगा उसमें सबमिट करना है फॉर वन टाइम लॉगिन। दोस्तों, मुझे ये मेरा वन टाइम ओटीपी पासवर्ड मिला है और यहाँ मैंने उसको राइट किया है और आप इस पे लॉगिन पे क्लिक करो। यस, अब ये नेक्स्ट पेज पे आपको पूछेगा प्लीज सिलेक्ट फील्ड विच यू वांट टू अपडेट और करेक्ट। तो आपको एड्रेस चेंज करना है तो आपको यहाँ एड्रेस पे क्लिक करके सबमिट करना है। यहाँ लोकल लैंग्वेज आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ होगा। जब आपने आधार कार्ड बनाया है वो टाइम पे आपने जो लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट किया है वो हिसाब से यहाँ सिलेक्ट होगा। तो सबमिट पे टिक करो तो आप ये नेक्स्ट पेज पे आओगे। ये पेज पे आपको जो आपका एड्रेस चेंज हुआ है वो अपडेटेड एड्रेस यहाँ आपको फिल करना है। ये है इंग्लिश में फिल करना है, ये आपका लोकल लैंग्वेज वाला है वो अपने आप ये लोकल लैंग्वेज में वो एड्रेस कन्वर्ट होगा। यस, ये मैंने मेरा एड्रेस पूरा फिल किया है, यहाँ मैंने इंग्लिश में टाइप किया तो ये अपने आप ये आपका लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। ये सब कुछ फिल करने के बाद सबमिट अपडेट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपने जो एड्रेस आपका फिल किया है वो पूरा दिखेगा। अगर आपको इसमें कोई करेक्शन करना है तो आप ये मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो और आपको जो करेक्शन करना है वो कर सकते हो। और आपका ये सब कुछ सही है तो आपको आई कंफर्म पे क्लिक करके प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछेगा। ये डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करोगे तो इतना सारा आपको ऐप ऑप्शंस मिलेगा जिसमें से आप आपके पास जो भी एड्रेस प्रूफ है वो सिलेक्ट करके आप उसका सॉफ्ट कॉपी यहाँ से अपलोड करना है। जैसे कि आपके पास वोटर आईडी है या रेशन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे सिलेक्ट करो। और एक ध्यान रखो फ्रेंड्स, योर रिक्वेस्ट रिक्वायर अपलोड ऑफ वैलिड एंड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट प्रूफ। ओके, मैक्सिमम साइज इज 2 MB फाइल टाइप, और जो आप फाइल अपलोड करोगे वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसका सपोर्टेड फॉर्मेट है JPG, PDF, TIFF, JPEG और PNG। यही फॉर्मेट में आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो आपके पास कोई डॉक हो या कोई दूसरे फॉर्मेट का हो तो प्लीज़ आप इसे इन 5 में से कोई भी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ से आप चूज फाइल पे जाके जहाँ आपने वो फाइल रखा है उसे सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे टिक क्लिक करना है और हो जाएगा आपका एड्रेस चेंज एप्लीकेशन सबमिट। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 10 to 15 days में आपका एड्रेस चेंज होना चाहिए। आपको आपके मोबाइल नंबर पे एप्लीकेशन नंबर आएगा और नंबर का स्टेटस आप यही आप चेक कर सकते हो। वंस आपका एड्रेस चेंज होने के बाद आप सॉफ्ट कॉपी यही साइट से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।